आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि कहूटनामा किताब के मुसन्निफ जावेद अहमद कहूट साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जावेद अहमद कहूट साहब का बुनियादी ताल्लुक तो डोकटालियाँ जो असैदन शाह से है। आला तालीम याफ्ता हैं, मुआशियात सियासियात के अंदर मास्टर डिग्री होल्डर हैं। इसके बाद इस्लामाबाद में और मुल्क के दूसरे खितों के अंदर आला ओहदों पर फायद रहे हैं, जिनमें वजारत बल्दियात, पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे इदारों में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। तारीखी चकवाल से गहरी दिलचस्पी रखते हैं और मुस्तनद तहकीक पर यकीन रखते हैं। चूँकि धन के हवाले से काफ़ी रिवायात मौजूद हैं कि धन की वजह तस्मिया क्या है, इसके बारे में एक रिवायत ये भी है कि ये लफ्ज़ धन जो है ये ढन से निकला है। धन पानी के जो जोड़, वो इलाका जहाँ पर पानी हो उसको कहते हैं। तो इस हवाले से जावेद अहमद कहूट साहब जो हैं इनका कुछ इख्तलाफ़ है, तो ये अपनी तहकीक इस हवाले से बयान करेंगे। हमारी दरख्वास्त है कि इसके हवाले से वो रोशनी डालें। एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ एक झील थी और बाबर जब आया तो उसने ये झील कटवाई और पानी जो है वो निकाला गया है, और फिर बाबर ने 84 गांव यहाँ अलाट किए। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। बाबर जब कलर कार में क्याम किया तो कलर कार से बाबर निकला है, तो एक छोटा सा गांव है छुंबी, उसका उसने ज़िक्र किया है कि ये बहुत खूबसूरत वादी है। उसके बाद वो सुरला से गुज़रा है, सुरला से गुज़र कर वो करियाला के रास्ते किला फरवाला पे हमला आवर हुआ है। गखड़ जो है झंझुआ के इलाके पे हमले करते थे और वो झंझुआ उनसे बहुत तंग थे, तो उन्होंने बाबर को शिकायत की। तो बाबर जो है गखड़ों की गोशमाली के लिए यहाँ से गुज़र कर करियाला से होता हुआ जबैरपुर से गुज़र कर किला सोला से गुज़र कर कोटा के नज़दीक परवाला किला पर हमला आवर हुआ। तो उस वो इस इलाके से गुज़र गया। यहाँ कोई झील नहीं थी। अगर एक छोटे सा गांव छुंबी का वो जिक्र कर सकता है, तो अगर ये झील के किनारे से गुज़र जाता तो झील का जिक्र ज़रूर करता। तो ना तो बाबर ने यहाँ 84 गांव बसाए हैं। एक रिवायत ये भी है कि उन 84 गांव के साथ लाम का लफ्ज़ आता था, जैसे चकवाल, चकराल वगैरह। लेकिन जब तहकीक की है तो पता चला है कि यहाँ धनी में सिर्फ 44 गांव हैं जिनके साथ लाम आता है, और 12 गांव जो हैं वो लुंडी पट्टी के साथ हैं जिनका साथ लाम आता है, और ज़्यादातर गांव जो हैं वो बाबर के जाने के 100 साल या 200 साल बाद आबाद हुए। तो ये कहना कि 84 गांव हैं उनके साथ लाम आता है, ये बाबर ने आबाद किए, ये बिल्कुल गलत है। ये इलाका आबाद था, यहाँ गुजरों की गुजर आबाद थे, वो उनकी बस्तियाँ नहीं थी। वो एक जगह से मवेशी चराते थे और एक जगह से दूसरी जगह तक हिजरत करते रहते थे। तो जब बाबर आया तो वो बाबर का जो रहनुमा था वो सरिया नामी एक गुजर था। तो इससे साबित होता है कि यहाँ कोई झील नहीं थी, ये इलाका आबाद था और यहाँ गुजर कौम आबाद थी। तो ये एक मिसकंसेप्शन जो है इसको दूर करने की ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरी थी। एक रवायत यह है कि चौधरी सिदर की औलाद नहीं थी तो वो बाबा फरीद के पास कलर कार में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि दुआ करें मेरे यहाँ औलाद हो। तो उनकी दुआ से बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था चक्कू। चक्कू की चकवाल जो है वो चक्कू के नाम पे कायम हुआ, चक्कू से चकवाल बना। अब ये रवायत बिल्कुल गलत है कि ये कि चक्कू का बाप चौधरी सिद्धर जो है वो हाजिर हुआ था बाबा फरीद के पास कलर कार में। बाबा फरीद 1235
1963 में फौत हो गए थे, और चक्कू का ज़माना जो है 1500 कुछ का है, बाबर के ज़माने में चक्कू गुजरा है, तो 300 साल का फ़र्क है चक्कू में और बाबा फरीद में। तो चक्कू ज़रूर किसी बुज़ुर्ग की दुआ से पैदा हुआ होगा, लेकिन वो बुज़ुर्ग बाबा फरीद नहीं थे। ये बिल्कुल गलत रवायत है कि चक्कू जो है वो बाबा फरीद साहब की दुआ से पैदा हुआ था।